हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8 और 9 लास्ट वीडियो में कर लिया था। अभी हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आपको बोला गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। आपको बेटा इस एमसीक्यू में बोला गया है, इसमें आपको 3x3 मैट्रिसेस दी गई है, ठीक है। तो हम जनरल फॉर्म जो है इस मैट्रिसेस की वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। जनरल फॉर्म आप लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो वो हमारे पास होगी, जैसे ये आपने लिखा 3x3 है, मतलब तीन रो है उसमें। फर्स्ट एलिमेंट a11 a12 a13, ठीक है। सेकंड रो का एलिमेंट 21 a22 और a23, और थर्ड है आपके पास a31 a32 और a33, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3x3। ओके बेटा, इससे जो हमारे पास मैट्रिसेस आई है जनरल फॉर्म, ठीक है। तो आपने देखा 3x3, तो इसमें जो हमारे पास टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो आ जाएंगे बेटा, वो होता है रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया आपके पास 9, क्लियर है। फिर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है जो आपके पास विद ईच एंट्री 0 और 1, जो आपके पास ये आप देख रहे हैं ये सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं, ओके। ये इसके क्या है, अंदर के एलिमेंट्स आए। फिर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है, जैसे हमारे पास a11 एलिमेंट है, ओके। इसके आने के इसके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, ठीक है। तो आप लिखेंगे a11 एलिमेंट has 2 choices, ठीक है। 2 choices क्या, ये can be 0 और 1, कि ये element जो है हमारे पास 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है बेटा। फिर आपको ये बोला गया है अगर हमारे पास यहाँ पे 9 element है, उन 9 जितने भी element है सबके पास ये choice है, तो मतलब हमारे पास ऑल आप लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स हैज, ऑल एलिमेंट हैव चॉइसेस 2, उनके पास 2 चॉइस है, वो क्या, कैन बी 0 और 1, वो भी 0 और 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आएंगे वो कितने आएंगे, फिर आप देखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, क्या आएंगी, अरेंजमेंट्स, वो आएंगे आपके पास 2 की पावर 9। क्या आएगा वो आपके पास, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 को जब आप ओपन करते हैं वो होता है 512, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया इसका वो कौन सा आया, डी ऑप्शन आया, क्लियर है बेटा। थैंक यू।